चलिए क्वेश्चन नंबर 601। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? जी बहुत सिंपल सा प्रश्न आपके सामने परंतु महत्वपूर्ण है। जी क्वेश्चन नंबर 601 बिल्कुल सही आंसर है आपका। आंसर मिलेगा आपको मंदाकिनी नदी के किनारे, आपको चित्रकूट की घाट की बात जो हो रही है, रामायण में भी बात हुई है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मंदाकिनी नदी के किनारे। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में कामदगिरी और जानकी कुंड, सती अनुसुईया आदि के महल है और गुप्त गोदावरी भी आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। अगला है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी दैट इज वाडा, वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित? चार ऑप्शन है न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, नई दिल्ली और पेरिस। ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन है यूनिट 8 से संबंधित जो कि आते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल में मिलेगा। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा की। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान दीजिएगा। वाडा के बारे में अगर आपसे पूछी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है तो आप बताइएगा 10 नवंबर 1999, जो कि स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थापित किया गया था। बाद में इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थापित किया गया। अध्यक्ष रहे हैं जॉन का है ना, और यह खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कार्य करती है। गेम चेंजर अगला प्रश्न है। नहीं जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग मुद्दा है। गेम चेंजर किस पाकिस्तानी क्रिकेटर की आत्मकथा है? जी चार ऑप्शन है, सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम और शोएब अख्तर। आंसर मिलेगा आपको शाहिद अफरीदी। गेम चेंजर जो पुस्तक है वो शाहिद अफरीदी की है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 30 अप्रैल 1919 को ये गेम चेंजर प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 604, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हाँ जी, पाल शासकों में जाना पड़ेगा आपको और आपको मिलेगा धर्मपाल। पाल शासक धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि बाद में बौद्ध धर्म का एक महान शिक्षा केंद्र बना। चलिए अगला, अजातशत्रु शर्मा किस खेल से संबंधित है? अजातशत्रु शर्मा किस खेल से संबंधित है? 605 क्वेश्चन नंबर 605, अजातशत्रु शर्मा किस खेल से संबंधित है? जी हाँ बिल्कुल, आंसर मिलेगा आपको काइकिंग, कैनोइंग से संबंधित है। मध्य प्रदेश के अजातशत्रु शर्मा अगर आपसे पूछे कि किस जिले से बिलोंग करते हैं तो आंसर कर दीजिएगा भिंड। 2019 का एकलव्य पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। मध्य प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? अगर आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा मध्य प्रदेश में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय या हाई सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल की संख्या पूछी गई है। जी मध्य प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? जी हाँ, आंसर है लगभग 1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। ठीक, 11 संख्या एग्जैक्ट इनकी 1170 है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेनदेन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? हाँ जी, इकोनॉमिक्स में स्विफ्ट की बात हो रही है तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है। आंसर मिलेगा आपको सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल एंड टेलीकम्युनिकेशन दैट इज स्विफ्ट, बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी, आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का फुल फॉर्म? जी ई बिजनेस के संदर्भ में टर्म यूज की जाती है बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग या बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोटोकॉल या बिजनेस कंफर्मेशन प्रोटोकॉल, क्या कहना है आपको? जी बिल्कुल सही बात है, आज आंसर मिलेगा बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोटोकॉल बीसीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन हुआ करता था? आधुनिक भारतीय इतिहास जिन्होंने पढ़ा है तो देखिए जरा, वाडियार वंश, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, आंसर है मैसूर। अगर आप ध्यान दीजिएगा, हैदर अली जब शासक बना तब भी मैसूर में वाडियार वंश का शासन था, और उसके अलावा 1799 में जब चतुर्थांग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को मार दिया गया तब वाडियार वंश के ही एक बालक को शासक बनाया गया था।
दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी दैट इज टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जी क्वेश्चन नंबर 610 टिस्को की स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है? जी बिल्कुल सही बात है, आंसर है टिस्को 1907। आप इसको देखेंगे कि बंगाल विभाजन की जो घटना हुई थी 1906 और 7 में, और वहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट जो चला था वहाँ पर टिस्को की कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी उसी टाइम पीरियड में। इस समय कई अन्य महत्वपूर्ण स्वदेशी कंपनियाँ भी स्थापित हुई थी। इसी समय दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स दैट इज टिस्को की स्थापना की गई थी जमशेदपुर, उस समय का बिहार। 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट से पहले म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे? जी क्वेश्चन नंबर 611 सैन्य तख्ता पलट के समय म्यांमार के राष्ट्रपति विन म्यंट हुआ करते थे, आंसर है बी। चलिए राजेंद्र पचौरी को भारत सरकार द्वारा किस सम्मान से नवाजा गया है? राजेंद्र पचौरी को भारत सरकार द्वारा किस सम्मान से नवाजा गया है? बिल्कुल सही है, पद्म भूषण विभूषण, भारत रत्न नहीं दिया गया इनको। विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं राजेंद्र पचौरी, जिनका निधन जो है वो फरवरी 2020 में हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है। IPCC के चेयरमैन रहे हैं और इन्हीं के काल के दौरान IPCC को विश्व शांति या शांति के लिए पीस का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, इनको दिए गए कुछ पुरस्कारों में भारत सरकार ने पद्म भूषण 2001 में, इसके अलावा पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हाँ जी, कुछ प्रोजेक्ट दे रखे हैं और नदियां दे रखी है, आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट सही है नदी के अकॉर्डिंग। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। निम्मो बाजको परियोजना जो मिलेगी आपको सिंधु नदी पे मिलेगी, थीन बांध प्रोजेक्ट रावी नदी पर, पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पर है हरी के बिना, बगलिहार प्रोजेक्ट चेनाब नदी पे है, और तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो झेलम नदी पर है। आप लोगों को तेजी से आंसर करना है ना। शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल विधा से रहा है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक पार्ट के अंतर्गत स्पोर्ट्स में शंकर लक्ष्मण का संबंध। क्वेश्चन नंबर 614 आंसर सही है आपका, वो है हॉकी। शंकर लक्ष्मण का जन्म देख लिया 1933 में हुआ था, भारतीय हॉकी में रहे थे और गोलकीपर भी रहे 1956, 1960 और 1964। 1960 का जो रोम ओलंपिक था उसमें भारतीय जो टीम थी वह गोल्ड मेडल लेकर आई थी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इस वर्ष जो टोक्यो ओलंपिक रहे हैं वहाँ पर हॉकी का कांस्य पदक आया है। इन जानकारियों को जोड़ के देखिएगा, प्रश्न आने की पूरी संभावना है। चलिए JPEG यूनिट नंबर 9 की बात करें, JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है, मतलब विस्तारित रूप क्या है? जी JPEG को क्या बोलेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 615 आंसर करें फटाफट। JPEG को हम कहेंगे जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, पक्का सोच लीजिए, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप दैट इज JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप JPEG का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े, इंदिरा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर 616 इंदिरा गांधी पुरस्कार, ठीक है आंसर आपका सही है, शांति निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु यह पुरस्कार दिया गया था, यह दिया जाता है 2019 से इंदिरा गांधी ट्रस्ट द्वारा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा। ठीक, शुरुआत 1986 से। आगे बढ़ते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई का प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः पशुओं को इसका प्रयोग करते हैं। हाँ जी, कौन से हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? आंसर मिलेगा आपको ऑक्सीटोसिन, क्वेश्चन नंबर 617 का आंसर है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथौरा भित्ति चित्र बनाना किसकी रचना है या किसकी पहचान है? पिथौरा भित्ति चित्र कौन संबंधित है, कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि पिथौरा भित्ति चित्र से जुड़ी हुई है? आंसर है भील जनजाति, और आपने ध्यान दिया होगा पिछले साल भूरी बाई को पूछा गया था, पिथौरा भित्ति चित्र कलाकार थी पिथौरा बाई।
पिथोरा चित्र भित्ति, पिथोरा भित्ति चित्र बनाने वाले जो कलाकार होते हैं उनको लिखंद्रा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखंद्रा, ठीक है। झाबुआ फेमस है, झाबुआ अलीराजपुर। मौसमी बेरोजगारी, जैसा कि नाम से ही है कि एक मौसम में आपको रोजगार मिलेगा, अगले मौसम में उपलब्ध नहीं है। सामान्यतः यह जो व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव के फलस्वरूप होने वाली स्थिति है मौसमी बेरोजगारी। तो आंसर बता दीजिए, जब वर्ष के कुछ महीने या विशेष अवधि में प्रतिवर्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि अभी जैसे फसल कट जाएगी या कट गई है फसल, शादी विवाह का टाइम चल रहा है, तो अगले जुलाई तक या कहें कि जब तक पानी नहीं बरसता है तब तक बेरोजगारी का मौसम, तो इसको कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। इसी समय आप देखेंगे यूपी बिहार से बहुत सारे जो छोटे कृषक हैं या फिर मजदूर हैं वो दिल्ली जैसी, दिल्ली मुंबई कोलकाता जैसी जगहों पर चले जाते हैं, वहाँ 2-3 महीने काम करते हैं और फिर बरसात के समय अपने घर लौट जाते हैं। ग्रेटर थनबर्ग निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रेटर थनबर्ग का नाम काफ़ी चर्चा में रहा है, ये पर्यावरणविद रही हैं, पर्यावरण से संबंधित रही हैं। ग्रेटर थनबर्ग 18 वर्षीय एक बच्ची स्वीडन की। 12 नवंबर 2019 को इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, दैट इज ग्रेटर थनबर्ग स्वीडन। भारतीय संविधान, हाँ जी, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? अच्छा, आंसर पता ही आपको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही बात है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(2) यह व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? अरे जो मालिक है उसी को सौंपेंगे जिसने उनकी नियुक्ति की है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति उसको सदन के पटल पर रखवाता है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य विषय कौन सा था? आंसर है आत्मनिर्भर भारत में प्रवासियों का योगदान। ठीक ठीक है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक। सबसे छोटा पक्षी, कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी या घरेलू गोरैया? जी 624, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सही बात है, आंसर है गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड जिसको हम कहते हैं। चलिए अगला, प्राणहिता स्थित है, बताएं भैया। प्राणहिता, क्वेश्चन नंबर 625, तेजी से काम करना होगा आपको। हाँ जी, वर्धा तथा बेन गंगा नदियों का जो संगम है वो प्राणहिता नदी के रूप में जाना जाता है। मैं सीधे क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन और आंसर्स पे। हाल ही में क्रिकेट में नए नियम लागू किए गए जिसमें से एक है हैंडल द बॉल, उसका नया नाम क्या है? हाँ जी, आंसर क्या है? 626 का ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, हैंडल द बॉल जिसको पहले हम कहते थे, अब क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड इसको कह रहे हैं। पहले अगर कोई बैट्समैन बॉल स्टंप पे जा रही है और उसको अगर हाथ से रोक लेता था ओपनिंग क्रीज में तो उसको आउट माना जाता था। अब ऐसी स्थिति है कि मान लीजिए किसी फील्डर ने थ्रो किया और बैट्समैन जानबूझकर स्टंप और बॉल के बीच में आता है, या उससे अगर वो नहीं आता तो वो आउट हो सकता था, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के नियमों के तहत आउट घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सयाली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल विधा से है? सयाली गोखले आप सभी जानते हैं कि एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है कि पोलो खिलाड़ी है। सयाली गोखले बैडमिंटन से जुड़ी है, ठीक है। कोले के कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक, जी कैल्सीफेरॉल जिसको हम बोलते हैं सामान्यतः क्या है वो? 628, जी 628 का आंसर करें। कोले के कैल्सीफेरॉल, कल हमने विटामिन्स वगैरह पे चर्चा की थी, जी हाँ आंसर मिलेगा आपको विटामिन डी। कैल्सी या कोले के कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से मिलता है हमें विटामिन डी, हमारा शरीर नहीं बना सकता। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई, क्वेश्चन नंबर 629, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई जिसके अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य की एक बड़ी पराजय हुई थी, ठीक है। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई विजयनगर और बहमनी राजाओं के संघ के बीच में हुई है, 1565
को हुई थी, प्रसिद्ध लड़ाई है दक्षिण भारत की। इस लड़ाई को राक्षस तगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं ना। ये जो संघ था जो कि विजयनगर के विरुद्ध खड़ा हुआ था, इसमें बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा शामिल था, ठीक है, परंतु इसमें कौन सा शामिल नहीं था? बरार। कौन इस संघ में शामिल नहीं हुआ था? वो था बरार। ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, जी लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है लैन की। नेक्स्ट, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य, आर्कटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। 631 क्वेश्चन नंबर आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 631। हाँ जी, कौन सी जल संधि है जो कि आर्कटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ रही है? बिल्कुल सही बात है, आंसर मिलेगा बेरिंग जल संधि। एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग स्ट्रेट अलग करती है और यही इन दो महासागरों को जोड़ती भी है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव की समस्या सबसे ज्यादा है? 4 ऑप्शन है, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, मुरैना और खंडवा। आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का, 632 का आंसर है मुरैना। चंबल नदी पर आपको अपरदन दिखाई देगा, सबसे बड़ी समस्या है, जिसको रैंकिंग मृत्यु भी बोल रहे हैं और यहाँ पर गली इरोजन पाया जाता है। IAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में भी ये पूछा जा चुका है। अ प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखित पुस्तक है जो हाल ही में प्रकाशित हुई? अ प्रॉमिस्ड लैंड, जी 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 633, अ प्रॉमिस्ड लैंड, जी हाँ आंसर है बराक ओबामा, ठीक। अ प्रॉमिस्ड लैंड पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लिखित पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून निम्नलिखित में से किस अनुसूचित में वर्णित राज्यों में लागू नहीं होगा? जी हाँ, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, जी आंसर मिलेगा आपको छठी अनुसूची। नागरिकता संशोधन कानून छठी अनुसूची में वर्णित राज्य, छठी अनुसूची में वर्णित राज्य कौन सा है? अत्री में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर राज्यों में ये लागू नहीं होगा। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? ये पता ही आपको आंसर, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 635, जी हाँ ये है बेतवा नदी के किनारे है। बेतवा नदी के किनारे कुछ अन्य जो शहर हैं उसमें विदिशा, ओरछा, सांची और गुना है। शिप्रा के किनारे उज्जैन है, नर्मदा किनारे अमरकंटक, होशंगाबाद, महेश्वर, ओंकारेश्वर, नरसिंहपुर, जबलपुर, चंबल में महू, श्योपुर, मुरैना और रतलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है, हाँ जी, कोयला क्षेत्र के कृषि, हाँ जी कोयला क्षेत्र सिंगरौली बेसिन फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता? बाल, शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा और विवाह, हाँ जी जी हाँ बिल्कुल सही बात है, विवाह का अधिकार शामिल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, कुछ खोजना है तो किस तरह का प्रयोग करेंगे? सोनार, सोनार किरणों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल 638 का आंसर है सोनार। थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे बेटा समय को ध्यान में रखते हुए। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग आप करेंगे, जी बोलोमीटर का प्रयोग आप किसे मापने के लिए करेंगे? जी हाँ आंसर करें, 639 का, विद्युत चुंबकीय विकरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जी एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, एवोगाडो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल? जी हाँ सही बात है, आंसर आपका डाल्टन, डाल्टन का
परमाणु सिद्धांत आपने पढ़ी है स्कूल टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य लिखा है किसने? महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने, पतंजलि का महाभाष्य। इसमें क्या है? हलवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई, हाँ जी, कौन सा सल्तनत कालीन शासक था जिसने बाजार विनिमय प्रणाली लागू की थी? हाँ जी, 642 का आंसर, बाजार विनिमय प्रणाली। हाँ जी, भारी कंफ्यूजन है लोगों में। अलाउद्दीन खिलजी, बाजार विनिमय प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षों पहले हमने नीति के साथ एक वादा किया था और अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? देश की स्वतंत्रता के समय यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? भारतीय संविधान, भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर, आंसर आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू। ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक एक बहुत फेमस साक्षात्कार है या फिर कहें कि भाषण है, नियति के साथ साक्षात्कार ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? चार ऑप्शन है आपके पास में, बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है, आंसर करें आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आंसर करेंगे। 644 का आंसर करें फटाफट। प्रतिभा चौधरी का आंसर आया है ए, कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाश में लोग सवाल ही नहीं है, प्रकाश का वेग सबसे अच्छा हलवा प्रश्न है ना, आठवीं क्लास का बच्चा करेगा इसको, आपको तो करनी ही। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, स्टेडियम पूछा है कि व्यक्ति पूछे? हाँ, कैप्टन रूप सिंह का संबंध किस खेल से है बता दिए भैया? ये तो आंसर पता ही है आपको, कैप्टन रूप सिंह हॉकी से संबंधित, ठीक है। हाँ, ध्यानचंद के छोटे भाई कैप्टन रूप सिंह, इनके नाम पर एक स्टेडियम भी है, बताओ कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? हाँ जी, पहले हॉकी था, क्रिकेट स्टेडियम, बिल्कुल अमित सही आंसर है। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? हल्दी घाटी की लड़ाई 646 का आंसर करें आप लोग, हल्दी घाटी की लड़ाई बहुत फेमस है, अकबर और राणा प्रताप के बीच में, राणा प्रताप बीच से चले गए। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? अर्थात पहला भारतीय जिसने सिविल सेवा में क्वालिफाई किया था, जी। क्वेश्चन नंबर 647 आंसर है बी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही बात है। 1863 में तथा उसके बाद में 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी हैं। विवेक, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? जी 648, क्वेश्चन नंबर 648, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कापोलॉजी या जियोलॉजी? हाँ जी, आंसर एकदम बढ़िया है, 648 आंसर है कार्टोग्राफी, भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्योम मित्र क्या है? 649, एक अर्धमानवीय महिला रोबोट व्योम मित्र, जो कि पिछले साल पूछा भी गया था। 650, नूर फर्स्ट क्या है? इसराइल का सैन्य उपग्रह, ईरान का सैन्य उपग्रह, पाकिस्तान का सैन्य उपग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल आंसर मिलेगा आपको, ईरान का सैन्य उपग्रह है नूर प्रथम, 2020 की घटना थी। ठीक है बच्चों,